हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अल्लाह की चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्लाह की पे। आज का सबसे बड़ी खबर है, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर डिप्टी सीएम का क्या निर्णय है, छात्र कर रहे हैं प्रमोशन की मांग। तो दोस्तों, जो न चैनल पर नए हो, पास में बेल आइकन का घंटी है, उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। दोस्तों, यूपी में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर अगले दो दिन में निर्णय। डॉक्टर दिनेश शर्मा, विशेष संवाददाता लखनऊ से, जो मंडे 13 जुलाई 2020 6:45 PM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम से इसको प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों, चलिए क्या है आगे की बात जानते हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर अगले एक दो दिनों में निर्णय लिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह ऐलान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित इस संवाद में किया। कोरोना काल में नए शैक्षिक सत्र में चुनौतियां विषय पर आयोजित इस संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमने कल ही शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, लेकिन UGC की गाइडलाइन कुछ और है। इधर जल्दी UGC की गाइडलाइन बदल कर आई है। हमने कोर्स शेड्यूल तैयार रखा था, परीक्षा कैसी होगी या नहीं होगी, क्या हमें प्रमोशन देने होंगे, फाइनल ईयर की परीक्षा लेंगे, ये कुछ यक्ष प्रश्न थे। इनके जवाब तलाशते हुए हम समाधान तक पहुंच चुके थे, लेकिन UGC ने अपनी गाइडलाइन बदली है। इससे सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें प्रमोशन देना है या परीक्षाएँ लेनी है, इस निष्कर्ष पर हम एक दो दिन में पहुंच जाएंगे। इस संवाद को संबोधित करते हुए CBSE के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली ने ऑनलाइन शिक्षा में चौक और ब्लैक बोर्ड प्रणाली को किनारे करने का सुझाव देते हुए कहा कि हमें इसमें 4 E पर ध्यान देना होगा। पहले बच्चों को इंगेज करें, एक्सप्लोर करने का मौका दें, बच्चों को एक्सप्लेन करें, जो बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं उसे एक्सटेंड करें, यानी जो ज्ञान उसने हासिल किया उसे लागू करें, तब जाकर ऑनलाइन शिक्षा प्रभावी होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने विश्वविद्यालय में लागू किए जाने वाले स्लिप मॉडल की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चे घर में करें व विश्वविद्यालय में आकर अपनी जिज्ञासों को शांत करें। AKTU के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने डिजिटल शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने पर जोर दिया। इन्होंने इंटरनेट के साथ ही अखबार, रेडियो, टीवी आदि को साथ लेकर चलने पर बल दिया। फ्रेंड्स, दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खराब लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे हम अगले वीडियो में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें।